उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन अमेरिका को आए दिन ललकारता है, सुपर पावर को एटम बम से उड़ा देने की धमकी देता है। संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की अनदेखी करते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को चीन की मदद से लगातार आगे बढ़ा रहा है। अब तक अमेरिका उत्तर कोरिया के उन कदमों को उकसाने वाली कार्रवाई कहकर शांत हो जाता था, लेकिन जालसाजी का साम्राज्य बिछाए तानाशाह का जब यह सच सामने आया कि वो दुनिया के बैंकों में सेंधमारी कर अरबों रुपए की लूट को अंजाम दे रहा है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उसका इलाज करने के लिए अपने खास अस्त्र का इस्तेमाल किया है। देखिए क्या है अमेरिका का ओबामा का यह ब्रह्मास्त्र। दुनियादारी से दूर उत्तर कोरिया में अपनी मर्जी का सिक्का चलाने वाला तानाशाह किम जोंग उन किसी से खौफ नहीं खाता। उसे ना तो संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों की फिक्र है और ना ही सुपर पावर अमेरिका का डर। वो पिछले कई सालों से दुनिया को ठेंगा दिखाते हुए लगातार अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। बंदिशों से बेपरवाह तानाशाह अपने मिसाइल प्रेम को परवान चढ़ाने के लिए तमाम हथकंडों के जरिए काला धन जुटाता है। फिर चाहे वो जालसाजी का साम्राज्य हो या नशे का कारोबार, वो पाकिस्तान समेत दूसरे देशों को मिसाइल तकनीक तक बेच देता है। यहाँ तक कि वो अपनी साइबर आर्मी के दम पर दुनिया भर के बैंकों को भी लूट रहा है। बेकाबू तानाशाह की इन हरकतों ने उसके नंबर वन दुश्मन अमेरिका की नींद उड़ा रखी है, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने अब तानाशाह का पक्का इलाज करने की ठानी है। उत्तर कोरिया के एक के बाद एक नए हमलों से परेशान होकर अमेरिका ने पहली बार किया है तानाशाह पर 311 अटैक। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ उसी अस्त्र का इस्तेमाल किया जिसका प्रयोग 2011 में उसने ईरान के विरुद्ध किया था। आर्थिक प्रतिबंधों का नतीजा ये हुआ कि ईरान की अर्थव्यवस्था चरमराकर घुटनों पर आ गई। अमेरिका ने यह कदम उन संकेतों के बाद उठाया जिसमें ये जाहिर हो गया कि उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय बैंक लूट के गोरख धंधे में काफी आगे बढ़ गया है। ओबामा ने अमेरिकी संसद से मिले अधिकार का इस्तेमाल कर उत्तर कोरियाई बैंकों को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग थलग करने का आदेश दिया है। दरअसल अमेरिकी वित्त विभाग ने 1 जून को ऐलान किया कि दुनिया का कोई भी देश जो उत्तर कोरिया के साथ पेमेंट का लेन देन करेगा उसे अमेरिका में बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। यूएस पेट्रियट एक्ट की धारा 311 के तहत अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर प्राइमरी मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न यानी काले धन का सबसे बड़ा धनवान का लेबल चस्पा कर दिया। उत्तर कोरिया पर 311 का टैग लगने का मतलब ये है कि विदेशी बैंक अब ऐसे खातों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उत्तर कोरियाई बैंकों के लेन देन से जुड़े हों। अगर ऐसे लेन देन होते हैं तो इनके लिए सजा भी काफी कठोर है। आरोपी बैंक डॉलर ट्रेडिंग के दायरे तक से बाहर हो सकता है, जो कि किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक के लिए सजाए मौत से कम नहीं। धारा 311 अमेरिकी कानून का सबसे कारगर आर्थिक हथियार है। नियम के तहत अमेरिकी डॉलर में लेन देन करने वाले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक के लिए न्यूयॉर्क में एक अकाउंट रखना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए यदि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के बैंकों को $10,000 का कोई लेन देन करना है तो ये ऑपरेशन उनके न्यूयॉर्क स्थित अकाउंट से ही संभव है। उत्तर कोरिया को धारा 311 के तहत लाने पर वॉशिंगटन डीसी में स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर एडवाइजर और कोरिया चेयर डॉक्टर विक्टर चा का कहना है कि उत्तर कोरिया पर अमेरिका की यह कार्रवाई वित्तीय पाबंदियों की दुनिया में परमाणु हमले के विकल्प के बराबर है। जाहिर है ओबामा के इस कदम से अमेरिकी बैंकिंग नेटवर्क में होने वाली उत्तर कोरिया की वित्तीय गतिविधियां पूरी तरह ठप हो जाएंगी और वो आर्थिक तौर पर काफी कमजोर हो जाएगा। वहीं अमेरिका के 311 अटैक से बौखलाए सनकी तानाशाह ने भी पलटवार किया है। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA में बयान जारी कर कहा गया, अमेरिका की यह कार्रवाई देश की प्रभुता और जरूरी अधिकारों पर हमला करने का एक और गैर कानूनी कदम है। अमेरिका जोर शोर से पड़ोसी देशों से उत्तर कोरिया पर दबाव बढ़ाने को कह रहा है।
लेकिन उत्तर कोरिया इन बातों को तर्कहीन मानता है। उत्तर कोरिया में काले धन को वैध बनाने से रोकने का काफी अच्छा सिस्टम है और वो खुद पर लगे ताजा लेबल से जरा भी डरने वाला नहीं है। दरअसल उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका की तरफ से धारा 311 के इस्तेमाल की नौबत तब आई जब साइबर सुरक्षा से जुड़ी फर्म सिमेंटेक ने यह पक्का किया कि इस साल फरवरी में बांग्लादेश सेंट्रल बैंक में हुई 81 मिलियन डॉलर यानी 54 अरब रुपए से ज्यादा की लूट में उत्तर कोरिया के हैकरों का हाथ था। सिमेंटेक के मुताबिक पिछले साल फिलीपींस और वियतनाम के बैंकों में हुई साइबर रेड में भी उत्तर कोरियाई हैकर शामिल थे। खास बात यह है कि लूट की इन तीनों वारदात में जिस कंप्यूटर कोड का इस्तेमाल किया गया वो पहले सिर्फ दो बार दिखा था। पहला 2013 में दक्षिण कोरियाई बैंकों और मीडिया पर हुए साइबर हमलों में और दूसरा 2014 में सोनी पिक्चर्स को हैक किए जाने में, जिसके लिए FBI ने उत्तर कोरिया को जिम्मेदार ठहराया था। इस साल की शुरुआत में परमाणु परीक्षण और मिसाइलें दागने के बाद से ही उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध झेल रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक प्रहार के बाद अब उत्तर कोरिया की कमर टूटेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर ये भी जग जाहिर है कि उत्तर कोरिया प्रतिबंधों के बीच तोड़ निकालने की कोई न कोई जुगत ढूंढ ही लेता है। एक बड़ा सवाल यह है कि उत्तर कोरिया की आर्थिक लाइफलाइन कहलाने वाला चीन तानाशाह किम जोंग उन को दबाने की मुहिम में अमेरिका का साथ देगा या नहीं। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही कई मुद्दों को लेकर टकराव बना हुआ है और उत्तर कोरिया को लेकर भी दोनों सुपर पावर देशों की लाइन एक नहीं है और न ही कभी होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि अगर चीन और दुनिया के दूसरे देशों में व्यापार पूरी तरह से चीनी मुद्रा युआन में बढ़ता है तो क्या इससे उत्तर कोरिया के लिए अमेरिकी डॉलर सिस्टम को पूरी तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं हो जाएगा। दरअसल 311 अमेरिकी लेवल से बचने के लिए उत्तर कोरियाई चीन की शरण में ही जाएंगे जहां से उनका ज्यादातर वैश्विक कारोबार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।